हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज़ में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे बंगाली मूवी टॉनिक को, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बंगाली मूवी टॉनिक, ये मूवी इसी फ्राइडे को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को स्वीट सिंपल फैमिली ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो शायद आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस को ये मूवी कैसी लगेगी, इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। अगर हम इसी कहानी की बात करें तो ये कहानी है जलाधर सेन नाम के एक आदमी की, जो कि 75 साल का है और अपने बेटे के प्रति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन उसके लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब वो अपने लिए एक फॉरेन की ट्रिप प्लान करता है, लेकिन किन्हीं वजहों से ये ट्रिप कैंसिल हो जाती है। और उसके बाद जलाधर की लाइफ में आगे क्या क्या होता है, यही सब इस मूवी की कहानी है। अगर हम इसकी स्क्रीन प्ले की बात करें तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है और हमें बताया जाता है कि जलाधर की लाइफ में कितना कुछ हो रहा है और वो किस तरह का इंसान है, उसके बेटे भाव कैसे हैं, वो सब इतना अच्छा था ही कि हमारे स्टार्टिंग से ही इस मूवी में कनेक्शन बन जाता है। फिर जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है और हमें बताया जाता है कि इन सबकी लाइफ किस तरह की है, ये एक दूसरे के साथ किस तरह से हैं, वो सब भी मुझे पसंद आया, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतने अच्छे से तो लिखा गया था कि हम पूरे टाइम इस मूवी में इन्वेस्ट रहते हैं और जो कुछ भी स्क्रीन पर चल रहा होता है उसे इन्जॉय कर पाते हैं। ऑल द ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पर आपको इस मूवी में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा और ये लगभग पूरी मूवी काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहती है, इसीलिए ट्विस्ट एंड टर्न्स से ज़्यादा उम्मीदें मत करना। और जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच डायनामिक्स की, तो सभी कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से लिखा गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है और जो कैरेक्टर्स के बीच डायनामिक्स रहते हैं वो भी मैंने इन्जॉय करे हैं। लेकिन अगर हम इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहती है, और अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखते वक्त अपना पूरा दिमाग चलाया तो आपको इस मूवी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिस पर यकीन करना सच में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस मूवी में, लेकिन उन सब पर बात करके मैं आपको इस मूवी को देखने का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम काफ़ी पसंद आया है। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन तो इस मूवी का अच्छा है लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था, और जो एडिटिंग है वो भी ठीक ठाक ही है। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को स्वीट सिंपल फैमिली ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो शायद आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल ऑडियंस हो तो भी आप इस मूवी को देख सकते हो, आप बोर तो नहीं होंगे, इसलिए मेरी तरफ से तो ये मूवी पूरी तरह से रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मूवी कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी एडिशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट से बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।